कि आज से दक्षिणायन शुरू हो गया और अब देवताओं का नहीं पितरों का वास होगा, लेकिन एक ध्यान रखना, देवता कहीं बाहर नहीं होते हैं, देवता हमारा मन होता है। जब हमारा मन सम्यक दर्शन से भर जाता है, सम्यक ज्ञान से भर जाता है, सम्यक चारित्र से भर जाता है, अहिंसा की उपासना में लग जाता है, तो उसी समय हमारा मन और हमारा मानव देव बन जाता है और उसी देवता के कारण से हम जगत में पूज्य बन जाते हैं और दानव का बनता है। हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह, इन पांच पापों के कारण से कोई भी व्यक्ति देव से दानव बन सकता है। अब आप लोग देव कितने लोग बनना चाहते हैं, हाथ उठाओ। देव, अच्छा देव कोई नहीं बने, दानव कितने बनना चाहते हैं, एक भी नहीं। अच्छा तो सिद्ध कितने लोग बनना चाहते हैं, सब लोग सिद्ध बनने के लिए यहां पर आए हैं और ये भी एक सिद्ध भूमि है। भगवान पार्श्वनाथ अंतरिक्ष पार्श्वनाथ है, कहां आए आप लोग, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ। अंतरिक्ष का मतलब क्या होता है, सुनो, अंतरिक्ष का मतलब क्या होता है, आकाश। जो संसार के पापों से ऊपर उठ करके आठों कर्मों को नष्ट करके और प्यार कर जाते हैं, वे अंतरिक्ष में स्थित हो जाते हैं और उनका फिर संसार में कभी आवागमन नहीं होता है। जिन पार्श्वनाथ भगवान ने उपसर्गों को सख्त करके अपनी आत्मा को शुद्ध बना लिया, जिन्होंने शरीर और पुत्र करके मोह को छोड़ करके आत्मा को शुद्ध आत्मा में निहित कर लिया, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान शिल्प पार्श्वनाथ भगवान, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान हो गए। उन पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में नमन करके हम अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। और आज आप लोग यहां पर आए हैं, कहां आए हैं, कहां आए, जैन शिरपुर, कहां, जैन शिरपुर, शिरपुर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ शिरपुर आए। और आप लोगों के लिए इस अंतरिक्ष पार्श्वनाथ शिरपुर में आकर के कैसा लगा, किस किस को अच्छा लगा, हाथ उठा। अच्छा, ये तो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में आने से अच्छा लगा, लेकिन ये अच्छा नहीं लगा कि यहां पर एक युग के युग दृष्टा, जीवन के सबसे मार्गदर्शक, अहिंसा के पुजारी, शांति के धाम, धैर्य की मूर्ति, मूकबंदी के सृजेता और अंतरिक्ष पार्श्वनाथ श्रायपुर में अगर विराजमान है, तो ये आप लोगों को कैसा लगा है? सोने में सुगंध हो गया। हम ये कह सकते हैं कि श्रीपुर शब्द से श्रीपुर शब्द बना। श्रीपुर का अर्थ क्या होता है, श्री माने मोक्ष, कि लक्ष्मी जिसको प्राप्त हो चुकी है और जो मोक्ष की लक्ष्मी के निवास में जाकर के विराजमान हो चुके हैं, उस नगरी में विराजमान हो चुके हैं, उस श्रीपुर शिवपुर श्रीपुर में जाकर के जो विराजमान हो चुके, ऐसे श्रीपुरवासी शिवपुरवासी श्रीपुरवासी पार्श्वनाथ भगवान के धाम में आकर के हम अपने आत्मा के कल्याण करने का संकल्प ले सकते हैं और हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। ताली बजाओ, अच्छे से बजाओ, तो बिल्कुल मत बजाओ। अपन दिल खोल करके बैठो, क्या दिल बंद करके, अरे हम जिस जगह रहते हैं वो इतनी पवित्र भूमि है, वो ऐसी पवित्र भूमि है कि जिस पवित्र भूमि पर कोई भी व्यक्ति आ जाएगा इस पवित्र भूमि पर,
तो उसके मन के पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन इस पवित्र भूमि के साथ साथ एक स्पायर होता है और एक पिक होता है, घन मीटर घन। और जैसे कि किसी आदमी के लिए अगर मिश्री हो और मिश्री के साथ मावा हो तो मजा आ जाता कि नहीं आ जाता, बोलो ना, आता है ना। और सिरपुर की भूमि हो और आता है कि सागर जी महाराज जी यहां पर विराजमान हो तो किसको नहीं आएगा। कभी काशी ने कहा है यह तन बिस्की फैलगरी, यह तन बिस्की फैलगरी गुरु अमृत की खान, और शीश दिए गुरु पद मिले तो भी सस्ता जान, शीश दिए गुरु पद मिले तो भी सस्ता जान। और आज आपके लिए गुरु चरण मिलते हैं। मैं रैली में था, देखता था, मैंने एक दिन आचार्य श्री से कहा, परसों की बात है, मैंने कहा आचार्य श्री ऐसी कौन सी मोहिनी है आपके पास, ऐसी कौन सी मोहिनी, ऐसा कौन सा जादू है, ऐसा क्या है आपके पास कि लोग धूप में जब लपटे चल रही हो धूप में खड़े उनसे कह रहे हैं कि भाई तुम कहीं छावे में बैठ जाओ, चक्कर खा के गिर सकते हो, पानी पी लो, बैठ जाओ, अचल से कभी दर्शन नहीं होंगे, तो भी लोग वही खड़े रहते हैं, पंडाल भी लगाते तो भी खड़े रहते हैं। वो कहते हैं गुरु पद की छाया में हमें सब शीतलता मिलती है और सारी की सारी जिंदगी की तपन गुरु छाया में मिटती है, गुरु जल छाया में। एक और समय आ चुका है, 48 दिन की कठिन यात्रा पूरी करके आचार्य श्री सिरपुर आ चुके। वो परिस्थिति मुझे याद है जब मैंने देखा कि आचार्य श्री का आज ही संभव नहीं था, इतने कमजोर हो चुके थे, इतने चल नहीं सकते थे, लेकिन उनका मन कभी कमजोर नहीं हुआ, क्योंकि वो कहा करते हैं कि हौसले पहाड़ों को कभी, पहाड़ों को कभी पैरों ने नहीं इरादों ने चढ़ा है, हौसले बुलंद होते हैं तो हर कठिनाई दूर हो जाती है, हर कठिनाई दूर हो जाती है। लगभग 600 किलोमीटर की यात्रा करके परम पूज्य आचार्य श्री इस नगरी में आए हैं और यहाँ का उत्साह वही मैं देख रहा हूं जो हमें कभी बुंदेलखंड में देखने को मिलता था, जो कभी लेमावर में, कभी हमें तिलवाड़ा, कभी पूर्ण आयु, कभी प्रतिभा स्थली, कभी हमारे लिए चंद्रगिरी, कभी अमरकंटक, कभी रामदेव, उससे ज्यादा उत्साह हमें तो ऐसा क्या है आचार्य जी के पास, उनके पास है कि जो दिल की सफाई रखते हैं और चेहरे पर सच्चाई रखते हैं, जो करना है वो करते हैं, जो नहीं करना वो नहीं करते हैं, चरिया जिनकी सुप्त साफ है, जिनमें आगम का मंथन करके और आगम का मंथन करके सम्यक दर्शन को सिद्ध कर लिया हो और अनेक प्राणियों को मोक्ष मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरित कर दिया हो। और इसके साथ साथ हम यह भी कह सकते हैं कि जिन्होंने अपनी आत्मा को सुप्त बनाने का संकल्प ले लिया हो, जो भेद विज्ञान की दृष्टि से शरीर और आत्मा को अलग मान करके चल रहे हो, उनके लिए शरीर की कमजोरी कभी आत्मा को कमजोर नहीं कर सकती है। इसलिए आत्मा की बल पर ही आज उनकी उपासना की यात्रा कल पूर्ण हुई और सब लोगों ने पलक पौड़े बिछा करके आचार्य जी की अगवानी, कोई अखबार वाले लिखते 4 किलोमीटर तक लंबी यात्रा थी,
कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर तक लोग ही लोग थे। और मैंने उस दृश्य को देखा जब चारों तरफ जन समुदाय जन समुद्र था, और एक तरफ हमने देखा कि गुरुवर का अकेला 5 लोगों का काम था। अब एक बात आपको समझ में है कि 500 का भारी होते हैं और 5,000 का भारी होते हैं, लेकिन गुरुदेव तो अकेले लाखों का भारी होते हैं। अब मेरे प्रिय गुरुदेव के चरण शरण में आप सब लोग आए हैं एक आशा उम्मीद लेकर। बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं, कुछ लेके नहीं जा पाते। आप लोग खाली हाथ जाएंगे कि कुछ लेके जाएंगे? फिर दर पे आया हूं, कुछ लेके जाऊंगा या मर के जाऊंगा। फिर दर पे आया हूं तो कौन कौन लेके जाने वाले? हाथ उठा। सुंदर, क्या लेके जाओगे? आशीर्वाद लेके जाएंगे? नहीं, आशीर्वाद के साथ साथ एक ऐसा कलश लेके जाना है जो कलश पुण्य के पूर्ण रूप जल से जमाया पड़ा हो। चाहे वो अंतरिक्ष कलश हो, चाहे वो चिंतामणि कलश हो, चाहे वो प्रभावना कलश हो, चाहे वो वात्सल्य कलश हो, लेकिन कलश ऐसा हो। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, ऐसा हमारा भाग्य जब तक उदित नहीं होगा जब तक गुरुदेव का कलश हमारे पास है। किस किस को भाग जगाना है? नसीबत तेरा जग जाएगा। कहां गया वो बंदा? वो नसीबा नसीब को अगर जगाना है तो गुरु चरण में आना है। नसीब को अगर जगाना है तो गुरु चरण में आना है और पार्श्वनाथ भगवान के शरण में आकर के अपना जीवन धन्य बनाना है, अपना जीवन धन्य बनाना है। मेरी एक बात समझ नहीं आ रही, आप ताली देर से क्यों बजाते हैं? समझ में देर से आती है इसलिए ताली बजाते हैं। और ये बहुत अच्छा है कि आप लोग समझ के नहीं ताली बजाते हैं, नहीं तो गुरुदेव कहेंगे कि ताली बजवाते रहते हैं। ताली नहीं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आज कि थोड़ी देर से ताली बजाते हैं, तो ऐसा लगता है कि सचमुच में आप लोग समझ गए। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके और हमारे बीच में एक बहुत अच्छी सी बात कि हम कलश में पुण्य भरे, हम कलश में सम्यक दर्शन कर जल भरे और सक्रिय सम्यक दर्शन भरे। परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी ने हम लोगों को एक सक्रिय सम्यक दर्शन का मार्ग दिया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रणी मोक्ष है ना? ये सही कौन से ग्रंथ में लिखा है? सबको पता ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रणी मोक्ष, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्रणी संसार मार्ग। ये कौन से ग्रंथ में लिखा है? हमने नहीं पढ़ा, कहीं नहीं लिखा ना, लेकिन तुम समझ लो ये भी लिखा हुआ है। और जिस दिन ये आपके अंदर लिख जाएगा मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्रणी संसार मार्ग, क्योंकि पाप मराते धर्मो बंदर जीव सचेत निश्चिन्वन समय में जाने के श्रेयं जाता धर्म भक्ति। एक बात याद रखेगा कि पाप शत्रु के समान है और धर्म मित्र के समान है। जहां धर्म होता है, सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद जिसके पास धर्म आ जाता है, जिसके पास धर्म की ध्वजा हाथ में हो जाती है, उसके लिए एक ध्यान रखना, विश्व की कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती है। विश्व की कोई भी शक्ति हरा तो सम्यक दर्शन कहां से शुरू होता है? सक्रिय सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? हमारे गुरुदेव ने कहा हथकरघा सक्रिय सम्यक दर्शन। मेरे घरे नहीं उतरी बात? आपके घरे उतर गई? किस किसके घरे नहीं उतरी? हाथ उठाओ।
एक आदमी के दो तीन आदमी के गले नहीं उतरी, बाकी सबके गले उतर गए, चार आदमी के गले नहीं उतरी, लेकिन सबके गले उतर चुकी। लेकिन फिर भी चार आदमी को समझाना बहुत जरूरी है कि चार में तो 40 को बिगाड़ देंगे और 40 4000 को बिगाड़ देंगे, इसलिए इनको समझाना बहुत जरूरी है। तो मैं इनको समझा देना चाहता हूं कि सुनो, ध्यान से सुनो, कला भक्ता तुलसी दिन में दो सरदार, एक जीव की जीत का एक जीव उद्धार। संसार में 72 कलाएं हैं, उन 72 कलाओं में दो कला मुख्य होती है। एक कला होती है कि प्राणी का आत्मा का कल्याण करने की कला, और एक कला होती है आजीविका अर्जित करने की कला। जिसके हाथ में आजीविका नहीं होती है वो कभी धर्म ग्रस्त है, तो दान दे पाएगा क्या? बेटा उपाय है ही नहीं। अगर हाथ में श्रावक के कौड़ी नहीं है तो वो दो कौड़ी का है, और साधु के पास अगर कौड़ी भी है तो वो दो कौड़ी। समझे ना बात? श्रावक को इतना चाहिए, साई इतना दीजिए, कविता इतना दीजिए, जागर कुटुंब समाज मेरिट को कर रहा हूं, साधु का भी कर रहा है। क्या कहा? कबीरा साई इतना दीजिए, जावे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा जा रहा हूँ, साधु न भूखा जाए, जब मैं भूखा करूँ मैं साधु जाए। तो भाई जागो। एक बार क्या हुआ, एक सत्य जी प्रवचन कर रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं ना, और सुनो कि बंद कर लो, सुनाओ। एक साधु जी प्रवचन कर रहे थे और एक व्यक्ति सेठ जी थे, काफी धनाढ्य थे, तो कर रहे थे सो गए। क्यों भाई सो गए? बोले नहीं महाराज जी। उसे द्वारा कहा, क्यों सेठ जी सो गए? नहीं महाराज जी। तीसरी बार पूछा, क्यों सेठ जी सो गए? बोले नहीं महाराज जी। चौथी बार कहा, क्यों सेठ जी चिंता हो? बोले नहीं महाराज जी। यानी इसका मतलब आप लोग समझ गए ना कि नहीं महाराज जी उनको कहना याद रह गया, उनको ये याद नहीं रहा कि सचमुच में मैं क्या कर। सक्रिय समय दर्शन को होता है जिस समय दर्शन के माध्यम से व्यक्ति स्वयं का कल्याण करता है और दूसरों को भी कल्याण का रास्ता देता है। स्वयं अपने काम के माध्यम से, अपने कार्य के माध्यम से अपने साधनियों को खड़ा कर देता है, उनके अंदर वात्सल्य का भाव भर देता है, उनको सुरक्षा करने का भाव भर देता है, उनकी जीवन पद्धति को उन्नत करने का भाव भर देता है, वह सक्रिय संगत दर्शन कहलाता है। और जिसके पास सक्रिय संगत दर्शन होता है उसके पास मोक्ष मार्ग निश्चित होता है और गुरु सच्ची सत्ता किसी। अच्छा तुम लोगों के लिए सच्ची सत्ता किसके बताओ? सबको है ना पक्का? तो एक ध्यान रखना, आज के प्रवचन से एक काम करना है अपने लिए कि अपन स्वयं भी सुरक्षित हो और दूसरों को भी सुरक्षित। स्वयं आजीविका करें, दूसरे को आजीविका। का कहना यह है कि हमारी आजीविका कैसी होना चाहिए? हमारी आजीविका ऐसी होना चाहिए जो स्वावलंबी हो और स्वाभिमानी हो और स्वदेशीकरण की भावना पैदा कर देगा। कितनी चीजें हुई, विशेषता आप समझ लेना। स्वावलंबन, स्वाभिमान की रक्षा करने वाली। कितने लोग नौकरी करते हैं, जरा हाथ उठाओ, या तो नौकरी करने या पूरा हाथ उठाओ। इतने लोग नौकरी करते हैं, खेती कितने लोग करते हैं, हाथ उठाओ। अच्छा, दुकानदारी कितने लोग करते हैं, हाथ उठाओ।
रोटी कौन कौन बना लेते हैं, हाथ उठाओ। अरे वर्षों में भी एक तो लिखना कम है रोटी बनाने वाला, बोलो। अरे बर्तन कौन कौन बांध लेते हैं, एक आदमी। अच्छा झाड़ू कौन कौन अच्छा लगा लेता है, बहुत अच्छे। अच्छा तो एक बात बताओ कि अपना काम खेत में धूप में परेशान होकर के कोई काम मिले वो करेंगे, या किसी अच्छी छायादार में बैठ करके काम करना पसंद करेंगे? अपने घर में काम रहते हुए क्या पसंद करेंगे, कौन सा काम पसंद करेंगे? इसके उपरांत दूसरे की डांट सहन करने की अपेक्षा पसंद करेंगे क्या कि हमें जितना करना मन के राजा, हम अपनी मेहनत करेंगे, मेहनत से हम सम्यक दर्शन सिद्ध करेंगे और सम्यक दर्शन सिद्ध करके मोक्ष मार्ग प्राप्त करेंगे। ये हमारी श्रवण संस्कृति है और इस श्रवण संस्कृति में श्रम का महत्व है। श्रमेव जयते, जो श्रम करता है वही सफल होता है। श्रम निष्ठा कल्याणी होती है, श्रम निष्ठा जिसके पास होती है उसका कल्याण होता है, और जिसके पास श्रम के प्रति निष्ठा नहीं होती है उसका कभी कल्याण नहीं होता है। इसीलिए आचार्य श्री ने श्रम दान हथकरघा अपनापन भारत पताका और श्रम दान हथकरघा इसलिए रखा था कि जो श्रम करेगा वह कल्याण करेगा और जो आलसी होगा, क्योंकि आलसियों के लिए भगवान भी सहायता नहीं देते। इसके लिए कौन कौन आलसी है यहाँ पर एकत्र के बैठा? आलसी एक बार दो आलसी एक आम बच्चे के नीचे सो रहे थे, तो आम टपका तो एक आलसी बोला कि यार एक काम करो। बोले हाँ। बोले ये आम निचोड़ करके तुम मेरे मुंह में डाल दो उस तरह से। बोला मैं नहीं डालता हूँ। बोले यार डाल दे यार। बोले उस दिन कुत्ता मेरे मुंह में प्रोग्राम कर रहा था, तुमने भगाया था क्या? आप लोग समझ गए ना बात? तो आलसी न होते, आलसी लोगों का कोई भी भगवान नहीं होता है। आलसी लोगों के लिए भगवान भी सहायता नहीं करते, और जो मेहनत करता है श्रम करता है श्रवण संस्कृति में विश्वास रखता है, तो श्रवण संस्कृति में विश्वास रखने वाले श्रम करते हैं और श्रम करने वाले हमेशा उच्चता को प्राप्त करते हैं, वे ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। श्रम और हफ्ता का अपना श्रम, अपने मन के राजा अपने मन की रानी। क्यों हमें जब बनाना बनाएंगे, नहीं बनाना तो किसी की नौकरी थोड़ी कर रहे हैं। हमें अगर भगवान महाराज जी के दर्शन करने जाना तो जाएंगे, सिर पर आएंगे। अब किसी की नौकरी कर रहे हो तो पूछ के नहीं जाना पड़ेगा। वैसे तो कई लोगों को अपनी अपनी पत्नियों से भी पूछ के आना पड़ता है। कौन कौन अपनी पत्नी से पूछ पूछ के आए, जरा हाथ था एक आए। ये अच्छा रहा कम से कम, जैसे पूछना भी चाहिए। अरे ये कोई दिक्कत नहीं, साथ में इसलिए तुमने हाथ उठाया, बड़ी बहादुरी बता रहे हो। ये बहादुरी हमें दिखा रहे हो। अरे भाई एक बात है, कई लोग पत्नी की पीठ पीछे, एक बार क्या हुआ, एक बच्चा पूछता अपने पापा से, पापा आप सांप से डरते हैं? बोले नहीं डरता, ये पकड़ के फेंक देता हूँ। बोले पापा आप भूत से डरते हैं? बोले नहीं डरता हूँ, भूत भूत को तो मैंने सबको बोतल में बंद कर रखा है। बोले पापा आप शेर से डरते हैं? शेर में मेरे सामने कहाँ रखते हैं, मैं नहीं डरता शेर में से। पापा फिर आप डरते किसे? बोले चुप रह रहे, तेरी मम्मी आ रही है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है हर आदमी के लिए श्रम करना चाहिए, और श्रम करके कल्याण की बात होती है। दाम्पत्य जीवन की सफलता श्रम पूर्वक जीने में होती है। जिसके हाथ में श्रम होता है, जिसके हाथ में हथकरघा होगा, उसके हाथ में मोक्ष मार्ग होगा और उसी का कल्याण चलेगा। वेद विज्ञान करना है, कौन सा विज्ञान करना है? वेद विज्ञान करना। अच्छा वेद विज्ञान कैसे होगा? आप लोग कहते हैं चावल के धान से वेद विज्ञान होता है, उड़द की दाल से वेद विज्ञान होता है, और मैं कहता हूं हथकरघा से वेद विज्ञान होता है।
कबीरदास जी ने हथकरघा से वेद विज्ञान किया, चरखा से वेद विज्ञान किया। ये चरखा चलता ना है, एक कवि ने लिखा है ये चरखा चलता ना है, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि एक चरिया दीनी रे छीनी जीनी, चरिया दीनी रे छीनी जीनी, आठ पंकमल का चरखा बनायो। किसका चरखा बनाए? पंच तत्व की पोनी, आठ कमल का चरखा है और पांच तत्व की पोनी और इससे बनी है चदरिया दीनी रे चीनी जीनी। कबीरदास जी को एक चदरिया याद आई और चदरिया को देख करके कबीरदास ने अध्यात्म का पूरा चिंतन प्रस्तुत किया और उसने कहा यह चादर को पोनी किसने? ध्रुव पहलाद ने ओढ़ी और कबीरदास ने ऐसी ओढ़ी जो कि क्यों धनी चदरिया झीनी रे झीनी। ये पांच शरीर हमारे एक चादर के समान है और शरीर का जितना अच्छा उपयोग करेगा व्यक्ति उतना वह मोक्ष मार्ग में बढ़ेगा, क्योंकि यह तन पाए महातप कीजिए, या तो सार यही है अगर इस तन को प्राप्त किया है तो या तो ऋषि बनो या कृषि बन करो, ये दो चीजें हमारे सामने है, तीसरा कोई विकल्प नहीं। और जिन्हें तीर्थ से बच्चों का काम करना है उन लोगों के लिए सोच लेना होगा। आज खचाखच बने निकलन करके तन में मैं निकलन की याद करता हूं, क्योंकि निकलंत देव ने इस जैन धर्म की रक्षा के लिए, एक व्यक्ति ने पूछा महाराज इसका नाम निकलंक क्यों रखा, तो मतलब क्यों रखा रोकड़े निकलंक का नाम क्यों रखा, तो बताओ काका क्यों, इस भवन का नाम क्या है? निकलंक निकेतन, भवन नहीं है निकलंक निकेतन। नाम क्यों रखा निकलंक? नाम निकलंक इसलिए रखा जैन धर्म की रक्षा करने वाले परम पूज अकलंक देव आचार्य, जिन अकलंक देव आचार्य श्री ने राजवार्तिक लिख दी, प्रमाण संग्रह लिख दिया, इसके बाद अष्ट सती लिखी, न्याय विनिश्चय विवरण लिख दिया, सिद्धि विनिश्चय लिखी, स्वरूप संवेदन लिख दिया और छह महीने तक जैन धर्म की रक्षा के लिए प्रवास किया और शास्त्रार्थ में जीते। मगर ऐसे अकलंक देव को अकलंक बनाने वाला कौन, जिन्होंने अपनी गर्दन कटा करके आहुति देवी बलिदान दे दिया, ऐसे अकलंक के भाई निकलंक, तो उनको सबको याद करते सीता को, लेकिन उर्मिला को कोई याद नहीं करता है। याद रखना जितना उत्सर्ग सीता का है उससे ज्यादा उत्सर्ग, क्योंकि सीता तो राम के साथ रही, लेकिन जो लक्ष्मण को छोड़ करके दशरथ के घर में रही अयोध्या में रही, वह उर्मिला ने भी अपने पति का वियोग सहन किया 14 साल तक। उस उर्मिला को कोई याद क्यों नहीं करता है? याद करो अकलंक का वैभव, करवानी निकलंक की जगह परत का वैभव अनुपम जय बोलो अरिहंत की। क्या याद करो अकलंक का गौरव, किसका गौरव याद करो अकलंक का गौरव, कुरवानी निकलंक की दिगंबरत्व का वैभव निश्चल जय बोलो अरिहंत। ये दिगंबरत्व का दो बार बोलने के बाद समझ में आती है, हम समझ गए यहाँ, क्योंकि मैं हिंदी भाषी हूं ना, इसलिए तुम लोग ऐसा कर रहे हो। अगर मराठी बोलते तो चांदी चांदी बाहर चांदी का या कभी तो आज छंद नहीं हुआ है का? आए जंगली पर काय तुम लोगों ने पानी का या कविता थी एकाच गोष्ट है कि अकलंक देव अणु सहा महा पर्यंत
सहा महीना पर्यंत शास्त्रात केला मोठे मोठे ग्रंथ लिहिले आहेत त्यांचे जे धर्मरक्षासाठी महायोगदान आहे त्या अकलकल्याण आपण साभा मानला पाहिजे आणि निकलन त्यांचे भाव होते त्याला भावना फार मोठे त्याग आहे ज्या प्रकार लक्ष्मणची पत्नी उर्वराचा त्याग आहे त्या प्रकार अकलंकचे भाव निकलंकचे त्याग आहे याला स्वागत करायला पाहिजे. त्याने आत्मा आणि शरीर वेगळं वेगळं आहे हे विक्रम केलेला त्यावेळी आणि मोक्षचे मार्ग सर्व जीवांना सर्व प्रकारचे भेटला असे अकलंक देवने प्रमाण प्रणाम करे करून निकलक देवची आठवण करायला पाहिजे या हा निकलक निकेतन. आप लोगों में बात करना चाहता हूं कि निकलक निकेतन एक त्याग और बलिदान की भूमि है और इस त्याग और बलिदान की भूमि पर 21 साल पहले आचार्य गुरुवर ने कुंडलपुर में इसकी रचना की थी इसका सपना देखा था और मैंने उसके लिए जो कुछ बना गुरु आज्ञा से बना किया लेकिन मैंने कभी निकलक निकेतन देखा नहीं था और सोचा भी नहीं था कि देख पाएंगे लेकिन गुरुदेव ने मुझे इस निकलक निकेतन को दिखा दिया और 31 साल बाद मैंने अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर दिए. अब कलश स्थापना कितने लोगों को करना भाव कितने लोगों के एक मेंढक के भाव थे और मेंढक लेकर के जा रहा था तो उसके भी भाव थे भाव तो अपन कर सकते कि नहीं कर सकते. अच्छा कौन कौन रखते हैं भाव जरा हाथ उठाए अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में कलश स्थापना करने के भाव कौन कौन रखते हाथ उठाओ जरा पूरा बहुत सुंदर. इतने सब लोग अगर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में भाव रखते तो भाव के साथ साथ भक्ति भी होना चाहिए और भक्ति के साथ तुम्हें शक्ति भी मिलेगी. मेरा आशीर्वाद आचार्य जी का तुम्हें आशीर्वाद है मेरा सद्भाव तुम्हारे साथ है कि आचार्य श्री के आशीर्वाद से तुम सब लोगों के अंदर इतनी शक्ति आए इतनी शक्ति हमें मन का विश्वास कमजोर होना हम चले के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई देखेंगे कि कलश स्थापना का महान दृश्य संकल्प लो कि ये दृश्य छोड़ना नहीं है अपन को और संकल्प लो कलश स्थापना में अपना हाथ भी लगना चाहिए और एक एक व्यक्ति इसलिए छोटे बड़े सब प्रकार के कलश रखे गए हैं आप लोगों की जितनी शक्ति हो कीजिए शक्ति प्रमाण शक्ति को छपाना नहीं और शक्ति से ज्यादा करना नहीं शक्ति को शक्ति जरूर डाले आप गुरु का ध्यान करना शक्ति जरूर डाले भगवान का ध्यान करेंगे शक्ति जरूर आएगी. एक ध्यान रखना एक महाभारत में बहुत अच्छा प्रसंग आता है कि कुछ भी नहीं बचा था द्रौपदी के पास और उसका फायदा दुर्योधन ने उठाया और एक ऐसे संत को भेज दिया कि जो पूरे संतों का समूह लेकर के तुरंत श्राप दे देते थे और वो उनके दरवाजे पर खड़े हो गए तो उन्होंने कहा आप नहाइए धोइए फिर व्यवस्था हो जाएगी आपके लिए जरूर कुछ न कुछ तो नहाने धोने गए इतने उनकी भूख पूरी शांत हो गई डकार आ गए यानी मतलब क्या हो गया
कुछ नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो जिसके अंदर प्रभु के प्रति भक्ति होती, गुरु के प्रति भक्ति होती, याद रखना उसके पास सब प्रकार की शक्तियां आ जाती है। धन आता है, वैभव आता है, सब कुछ आता है। इसलिए एक के साथ सब चले, सब सारे सब जाए। और गुरुदेव तो बहुत अलग ही प्रकार के, उनके पास महान अतिशय है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में बैठ करके आप सब लोग 17 तारीख को आओ और कलश स्थापना करके, वर्षा योग स्थापना करके घर बैठ जाना, फिर प्रवचन सुनना नहीं आना, आने पड़ेगा। तो आइए और अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ करके अपनी आत्मा के कल्याण का मार्ग पूछिए, सक्रिय सत्कर्षण का मार्ग पूछिए कि प्रभाव क्या है, स्थितिकरण क्या है, उपगुण क्या है और वात्सल्य क्या है। अरे जिसके प्रति, जिसके लिए सौयुक्त प्रति सद्भाव सनाथा प्रेत कई प्रणाम प्रतिपत्तर यथा योग्यम वात्सल्य व्यक्ति, इसी का नाम वात्सल्य है। और ऐसा वात्सल्य जिसके अंदर आ जाता है वही सबके समय दर्शन होता है। तो आए हम सब लोग मिलकर के एक अपने दिगंबराय सौबुधराय सर्वे के सूत्र को साकार करें और हम सब मिलकर के अपने गुरु चरणों में बैठ करके आत्मा के कल्याण का मार्ग विशिष्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के सामने शायद मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो, ज्यादा तो नहीं बोला, टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया, और बोलू क्या? अब रख लू फिर, नहीं तो तुम लोग क्या ताली बजाने लगोगे कि महाराज जी, क्योंकि ताली दो लक्ष्य से बजाई जाती है, एक अच्छा लगता तो नहीं बजाते और एक बंद करने के लिए हो जाती ताली, तो तुम लोग बंद करने को ताली बजाने लगोगे तो मैं क्या करूंगा। इसलिए याद रखना, आप लोगों के बीच में जो कुछ भी मैंने कहा है उसको आप लोग समझ लेना और आत्मा के कल्याण की बात सुनिश्चित कर लेना। सम्यक दर्शन सक्रिय करने के लिए हफ्ता राशि स्वयं भी जुड़े, अगर नहीं जुड़ सकते हैं तो जुड़े। एक आपके लिए हमारे तात्या जी फारम दे रहे हैं, उस फारम को अपने समय गाँव गाँव जाकर के आप लोग भरवाए और फार्म भरवा करके जो हथकरघा में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं वो प्रशिक्षण लें। और प्रशिक्षण केंद्र शुरू होने वाला है हथकरघा का इसी सिरपुर में, और कम से कम एक व्यक्ति के लिए कितना, 9,000 रुपया तो कम से कम मिलेगा। ऐसे अपन अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ करके और अच्छा काम करें और अपने स्वयं भी समय दृष्टि बने और दूसरों को समय दृष्टि बनाए, वेद विज्ञान को व्यवहारिक जीवन में उतारे और आप वेद विज्ञान मात्र शब्दों में ना रहे किंतु जीवन पद्धति में वेद विज्ञान बन जाए और सक्रिय समय दर्शन को साकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति।